Assalamu alaikum students, I welcome you all in the online class of FAI. This is your science teacher from there. So let's move to our next and the last topic of the chapter, Forest Our Lifeline, and the topic is food chain. So students, मैं आपको इससे पहले ये बता दूँ that आपको तो पता ही होगा, मतलब अगर हम हम energy कहाँ से लाते हैं, जब हम खाना खाएंगे तभी हमें energy मिलेगी, है कि नहीं? मतलब food is a source of energy, you know. ठीक है ना? तो स्टूडेंट्स, मतलब आपने कभी एज्यूम भी किया होगा, दिन में आप कभी कुछ खाते ही नहीं है, बिल्कुल भी कुछ नहीं खाते हैं, तो आपको जैसी थकावट जैसी महसूस होती है, मतलब आप बिल्कुल लो फील करते हैं, मतलब आपको बिल्कुल थकावट जैसी महसूस होती है. इवन कि अगर आपने कोई फिजिकल एक्टिविटी भी की नहीं की होगी ना, आप बिल्कुल मतलब आपको थकावट जैसी लगेगी. क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि हमें एनर्जी नहीं होती है, किस वजह से? हमने खाना नहीं खाया होता. इधर पर सीधे मतलब समझ आ जाता है दैट फूड इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी. अब जो हमारा इको सिस्टम है, इसमें क्या होता है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किस पे डिपेंड है? बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. ठीक है ना? ऐसे ही हमारा इकोसिस्टम चलता है, मतलब हम एक दूसरे पे डिपेंड है. अब हम मेन अपने मेन टॉपिक पे आ जाते हैं, डेफिनेशन पे आ जाते हैं फूड चेन की. द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर. अब फूड चेन क्या होता है? एनर्जी का ट्रांसफर हो जाना. ठीक है ना? एनर्जी का ट्रांसफर, जो मैंने आपको स्टूडेंट्स ऑलरेडी पढ़ा है, एनर्जी कहाँ से मिलती है? जब हम फूड खाएंगे. ठीक है स्टूडेंट, अब आप ध्यान रखिए. एनर्जी का ट्रांसफर हो जाना एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक, एनर्जी का ट्रांसफर हो जाना, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ फूड. इन द फॉर्म ऑफ फूड, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक एनर्जी का ट्रांसफर हो जाना, दैट इज कॉल्ड फूड चेन. ठीक है स्टूडेंट्स, क्या होता है फूड चेन? द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, एनर्जी का ट्रांसफर हो जाना फ्रॉम एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक इन द फॉर्म ऑफ फूड, उसको क्या बोलते हैं? फूड चेन. ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल समझाऊंगी. ग्रास है, ठीक है? ग्रास मतलब आपको पता ही होगा, ग्रास है. ग्रास को कौन खाता है? ग्रास ऊपर खाता है. आप ये ध्यान से देखिएगा, ग्रास को कौन खाता है? ग्रास ऊपर खाता है. ठीक है ना? ग्रास ऊपर को कौन खाता है? फ्रॉग खाता है. फ्रॉग को कौन खाता है? स्नेक खाता है. स्नेक को कौन खाता है? वल्चर खाता है, या हम ईगल बोलेंगे. ठीक है ना? यहाँ या ईगल खाता है. देखिए स्टूडेंट्स, अब जो ग्रास है ये प्रोड्यूसर है, मतलब ये खुद अपना खाना बनाता है, क्योंकि प्लांट जो है ये अपना खुद अपना खाना बनाती है ना, मतलब प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस जिसको हम बोलेंगे, जो हमने ऑलरेडी स्टूडेंट्स पढ़ा होगा. फोटोसिंथेसिस क्या प्रोसेस होता है? इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड. ठीक है ना? अब जो ग्रास है ये प्रोड्यूसर है, लेकिन ये जो सारे डिपेंड है ना एक दूसरे पे, ये मतलब दे फीड ऑन ईच अदर ना, दीज आर कॉल्ड कंज्यूमर्स. इनको बोलते हैं कंज्यूमर्स. क्या बोलते हैं इनको? कंज्यूमर्स. क्या बोलते हैं? मैं आपको फिर से रिपीट करूंगी. ग्रास को किसने खाया? ग्रास ऊपर ने. ठीक है ना? ग्रास ऊपर को किसने खाया? फ्रॉग ने. फ्रॉग को किसने खाया? स्नेक ने. स्नेक को किसने खाया? वल्चर ने. ठीक है ना? तो अब ये एक दूसरे, मतलब सब एक दूसरे पे डिपेंड है, लेकिन ग्रास जो है ये खुद एक प्रोड्यूसर है, ये एक प्रोड्यूसर, क्योंकि ये अपना खाना खुद बनाता है. अब जो बाकी जो ये है ना, ये दे फीड ऑन ईच अदर. ठीक है ना? ये एक दूसरे पे डिपेंड है, तो इनको क्या बोलते हैं? कंज्यूमर्स बोलते हैं. ठीक है ना? मतलब इस चेन में क्या होता है, जिसमें कि क्या होता है, किसी का मतलब इसको बोलेंगे ये चेन क्या होती है, जिसमें किसी का खाना या किसी का खाना बन जाना या किसी का खाना बनना, इसको हम बोलते हैं फूड चेन. इसको हम दूसरी लैंग्वेज में यही बोलेंगे. चेन में क्या होता है? किसी का खाना बनना या किसी का खाना या किसी का खाना बन जाना, बनना. ठीक है ना? उसको हम बोलेंगे फूड चेन. ठीक है ना? इसमें क्या होता है? एनर्जी का मतलब ट्रांसफर हो जाता है एक लेवल से दूसरे लेवल तक, एनर्जी का ट्रांसफर हो जाता है. ठीक है स्टूडेंट्स, ये होता है फूड चेन. मैं आपको कुछ डेफिनेशन बोलूंगी. हर्बीवोर्स क्या होता है? That get its energy from eating plants. Herbivores, plant eating animals होते हैं, जो बस plants खाते हैं. ठीक है ना? आई बात आपको समझ. For example, deer. ठीक है ना? Carnivores क्या आता है? That mostly eat meat or the flesh animal, flesh of animals. Carnivores होते हैं जो कि ज़रा ज़रा मीट बस खाते हैं या तो flesh खाते हैं animals का. ठीक है ना? For example, lion हम लेंगे. Omnivores क्या होता है? That eat both meat and plants, जो कि मीट भी खाते हैं और प्लांट्स भी खाते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम, ठीक है ना, हम प्लांट्स भी खाते हैं और मीट भी खाते हैं ना. शाबाश. तो ये है फूड चेन. इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम होगा, मैं आपको तब भी रिपीट कर दूंगी. फूड चेन क्या होता है? एनर्जी का ट्रांसफर हो जाना एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक इन द फॉर्म ऑफ फूड, उसको बोलते हैं हम फूड चेन. इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम होगा, आप मुझे टेक्स्ट या कॉल कर सकते हैं. अल्लाह हाफिज़.